मधुबनी जिले में खाद के लिए किसान परेशान है। वही एक बोरी खाद के लिए 5 दिन घूमना पड़ता है, उसके बाद 5 घंटे लाइन में रहने के बाद खाद मिलती है, वह भी तय से ज्यादा दाम पर। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड क्षेत्र के अररिया संग्राम के खाद विक्रेता सोनू ट्रेडर्स के यहाँ खाद के लिए किसानों की सुबह से ही लंबी लाइन लगी रही। जैसे ही कहा गया कि प्रशासन के आदेश के बाद अब खाद दी जाएगी, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और NH-57 को 10 मिनट तक जाम कर दिया। प्रशासन आने के बाद NH-57 का जाम हटवाया गया। अररिया ओपी पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण किया गया है। खाद लेने के लिए न केवल झंझारपुर अंधराठाड़ी बल्कि फुलपरास अनुमंडल सहित दूर दूर से लोग आए थे। लोगों का कहना था कि खाद कहीं नहीं मिल रही है और जहां कहीं भी मिल रही है तो 600 की दर से खाद मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना था कि खाद दिखता कहीं नहीं है लेकिन बिकता हर जगह है, वह भी मनमाने दामों पर। किसान सलाहकार अरविंद कुमार के मजिस्ट्रेट ड्यूटी में खाद वितरण किया गया। लोगों का कहना था कि एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हर जगह खाद उपलब्ध है, खाद की कहीं कमी नहीं है, दूसरी तरफ खाद के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मनमाने रेट भी देने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी सभी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है।